वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम अलार्म्स कैसे क्रिएट होते हैं फैक्ट्री टॉप व्यू ऐसी स्काडा में, उसको डिस्कस करते हैं। फैक्ट्री टॉप व्यू स्काडा में हम अलार्म दो तरीके से बना सकते हैं। पहला टैग बेस्ड, यानी कि स्काडा के अंदर हम टैग बना लेंगे और टैग के थ्रू हम अलार्म क्रिएट कर लेंगे। और सेकेंड तरीका जो है वो हम स्काडा में टैग बनाने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट पीएलसी से टैग उठा करके अलार्म्स एंड इवेंट्स में डाल के हम अलार्म क्रिएट करते हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग पार्ट में बताएंगे। पहले इस पार्ट में हम जो एचएमआई टैग के थ्रू अलार्म क्रिएट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में हम अलार्म्स एंड इवेंट्स के थ्रू अलार्म क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अलार्म बनाने के लिए हम एक स्क्रीन डुप्लीकेट कर लेते हैं। मान लीजिए स्क्रीन 4 को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम डाल देते हैं S5 डाल देते हैं। और इस स्क्रीन के अंदर जो भी मटेरियल है इसको डिलीट कर देंगे और इस स्क्रीन का नाम हम स्क्रीन 5 कर देंगे और इसमें आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टैग में कुछ अलार्म्स बना लेते हैं। जो पिछली क्लास में हमने कुछ लेवल का एनिमेशन और कुछ मोटर स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बना रखा था, उन्हीं टैग को इस्तेमाल करके हम आज अलार्म बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टैग में जाएंगे और यहां पर हम एक नया फोल्डर बना लेंगे अलार्म्स का, अलार्म्स। और इसके अंदर हम कुछ अलार्म बना लेंगे। सपोज एक टैंक लेवल हमने बनाया था X1 का, उसको हाई और लो का अलार्म बना लेते हैं। इसके अंदर हम एक लेवल का टैग बना देते हैं X1_level, ये हमने टैग बना दिया। और इसके अंदर हम X1 टैग सेलेक्ट करके इसमें हम अलार्म्स डाल देंगे। पहला अलार्म हमारा 20 से नीचे जब जाएगा तो X1 level लो, इसका अलार्म बनाना है तो ये मैंने बना दिया। और दूसरा था 90 से ऊपर जाएगा तो X1 level हाई, इसका अलार्म दे दे। तो ये दो अलार्म हमने बना लिए। 20 से नीचे जाएगा तो लो का दिखाएगा और 90 से ऊपर जाएगा तो हाई का दिखाएगा। तो ये हमने एक एनालॉग टाइप ये हमने अलार्म बना लिया। और एक और बना लेते हैं जो स्क्रीन नंबर 2 में ये मोटर हमने कनेक्ट की थी, By1 motor। ओके, तो By1 motor स्टॉप हो जाएगी तो By1 motor का भी यहाँ पर एक अलार्म बना लेते हैं। यहाँ पर हम By1 motor By1_MTR, ये आपका डिजिटल रहेगा, By1 motor इसके अंदर By1 ये रही। ये By1 motor अगर बंद हो जाती है तो उसका भी चेंज टू ऑफ, इस पर हमें मोटर स्टॉप्ड का By1 motor स्टॉप्ड का अलार्म जनरेट कर दिया। यानी कि अब हमने 3 अलार्म बना लिए, लेवल का, हाई और लो का, और By1 motor स्टॉप का। एक और बना लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने बनाई थी मोटर, ये मोटर MTR1 करके है, इसका भी बना लेते हैं। तो इसमें डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर MTR1 underscore
मोटर, MPR1 मोटर, इसका भी अलार्म बना लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इसके अंदर और MTR मोटर 1 का कमांड अगर नहीं आएगा तो मोटर 1 दिखा देंगे, MTR1 मोटर स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये ऐसे हमने 4 अलार्म बना लिए, 2 अलार्म इसके अंदर हैं हाई और लो के, और Y1 मोटर स्टॉप का और MTR1 मोटर का, ये हमने इस तरह के अलार्म यहाँ पर हमने जनरेट कर लिए। अब इन अलार्म्स को हम एक तो यहां पर दिखाएंगे, यहां पर दिखाने के लिए हम जाएंगे लाइब्रेरी में और वहां से ये जो HMI टैग वाला ये इंफॉर्मेशन है इसको यहां से कॉपी करेंगे और इस स्क्रीन में पेस्ट कर देंगे, तो यहां पर जो है अलार्म की समरी हमको मिल जाएगी। तो एक तो ये होगा पेज, दूसरा एक हमने जैसे लास्ट क्लास में हमने हेडर बनाया था, जो हमने हेडर पर शो किया था, इसमें हम अलार्म्स का स्टेटस फुटर में डालेंगे, तो हेडर को हम डुप्लीकेट करके फुटर बना देंगे, फुटर 1 F1 बना देंगे और इसके अंदर हम इन सबको हटा देंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से हम ये बैनर और अलार्म ये चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसको एक बार मिडिल करें, ये ऐसा हो, और इसकी जो साइज है उसको 60 न करके 40 कर देते हैं। सो ये हो गई और इसको सेव कर देते हैं। हमने लास्ट टाइम में ये कोई मैक्रो बनाया था, उसी मैक्रो में हम कुछ एक कमांड और लिख देते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मैक्रोस के अंदर हम कई सारे कमांड्स लिख सकते हैं, तो हम एक और इसके अंदर लिख देते हैं कि जो हमने फुटर बनाया है इसको हम डॉक टू बॉटम डिस्प्ले करा दें, और जो हेडर बनाया है हेडर में हम एक स्क्रीन नंबर 5 जो हमने बनाई है उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब नई एक बटन हमने अलार्म पेज पर जाने के लिए बना दिया स्क्रीन 5। तो आज का जो टॉपिक था अलार्म कैसे बनाते हैं वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब हम रन टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे। ये अलार्म हमको टिक करना होता है, इसको हमने टिक कर दिया, ओके। अब हम रन टाइम एप्लीकेशन को एक बार एडिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये ठीक सेम रहेगा। S4 की जगह हम S5 ले लेते हैं, यहाँ पर मैक्रो स्टार्ट और बाकी सब सेम ही है। तो इस तरह से हमने एक रन टाइम एप्लीकेशन बना दी है। अभी ये रन टाइम एप्लीकेशन बन रही है, एक बार रन टाइम एप्लीकेशन बन जाने देते हैं, उसके बाद हम अलार्म्स को क्रिएट करके टेस्ट करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में फिर अलार्म्स एंड इवेंट्स दूसरे तरीके से जो बनते हैं वो भी कवर करेंगे। ये रन टाइम एप्लीकेशन क्रिएट हो गई, तो एक तो हमने ये अलार्म की एक नई बटन यहाँ डाली है और ये स्क्रीन 5 को हमने डाला है, दूसरा ये अलार्म बैनर जो फुटर में दिख रहा है ये हमने नया इसमें डाला है। तो ये एक तरह से
नई स्क्रीन है जिसके अंदर अलार्म्स शो करेगा। अलार्म हमने बनाए थे कि जो स्क्रीन नंबर 2 में जो हमने ये लॉजिक लिख रखा था, ये ग्रेटर देन 90 होगा, 91 होगा, तो फिर इसमें एक अलार्म आ जाना चाहिए। जैसे कि ये आया X1 लेवल हाई, ये एक अलार्म आया, और इसके साथ अगर हम इसको लेस देन 15 कर देंगे तो फिर ये लो का अलार्म आ जाएगा, ये इसमें लो का अलार्म आ गया। अब एक बार हम फिर से 95 करेंगे तो क्या हुआ, जो लेटेस्ट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम एक और स्क्रीन में, ये वाली मोटर है, इसको भी हम स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। एक बार स्टार्ट करेंगे और एक बार स्टॉप करेंगे, तो स्टॉप जैसे ही करें तो इसने MTR1 मोटर स्टॉप का अलार्म दिया है। ये जो लेटेस्ट अलार्म है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अगर हमको डिटेल में जाना है तो फिर हम अलार्म वाले पेज पर जाएंगे, तो यहाँ पर इसने सारे अलार्म बना के दिए हैं कि ये एक बाय वन मोटर बंद हुआ था जब आपने इसका लेवल 90 से ऊपर किया था, तो बाय वन मोटर बंद हुई थी, उसका भी अलार्म यहाँ पर है, और लेवल एक बार 15 गया था, लो गया था, उसका भी। तो ये इस तरह की यहाँ पर अलार्म दिखाता है। एक बार हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, जो स्क्रीन नंबर 5 है इसके अंदर ये जो चीज है, यहाँ पर स्पेस काफी है, इसको हम यहाँ तक ले के आ सकते हैं। एक बार इतना स्पेस हम यूज कर सकते हैं, इसको यहाँ तक दिखा सकते हैं। एक बार इसको सेव कर देते हैं तो आप देखेंगे इसमें पूरे पेज में ये आ गया। तो इस तरह से ये अलार्म जनरेट होते हैं। मान लीजिए मैं एक बार फिर से स्क्रीन नंबर 2 में जाके इसका लेवल 10 कर देते हैं, तो ये मोटर स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका जो लॉजिक था वो लेस देन 20% पे ऑन कराना था और 90 से ऊपर जाने पे ये मोटर को ऑफ कराना था। तो जैसे ही अब 90 से ऊपर जाएगा, यानी कि हम मान लीजिए 96 कर देते हैं, 96 करेंगे तो मोटर बंद हो गई। तो इसका इसने एक तो अलार्म ये दिया है कि ये लेवल हाई हो गया, और दूसरा अलार्म दिया है मोटर बंद हो गई है। तो मोटर बंद हो गई है तो उसका अलार्म हमको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे ये मोटर कितनी बार बंद हुई, चालू हुई, तो यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह से हम अलार्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी तरीके से अलार्म कैसे जनरेट कर सकते हैं, फैक्ट्री टॉप व्यू स्काडा में, वो हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।